परम शांति। अभी मैं G11 माना G11 यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। G11 के अंदर G10 G10 मतलब G10 अनंत आनंद है, और आपको तो पता ही होगा G10 के अंदर G9 है, G9 के अंदर G7 है, G7 में G6 है, G6 में G5 है, G5 में G4 है, G4 में G3 है, G3 में G2 है, G2 में G1 है, G1 में यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सी है, गैलेक्सियाँ के अंदर सोलर सिस्टम है। तो कितना ऊपर हम चढ़ चुके हैं। हर यूनिवर्स की तरह उसका निराकार सेंटर पॉइंट में होता है परम लाइट, आकारी रूप में खुद अपनी शक्तियों के साथ रहता है बीच में। उसका रचयिता G11 का रचयिता। इसके बाद में 108 16,000 9 लाख 2 करोड़ 33 करोड़ परम 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 महाशक्तियाँ हैं। उसको प्रकृतियाँ भी कह सकते हैं, शक्तियों को प्रकृतियाँ भी कह सकते हैं। वहाँ प्रकृतियाँ तक 100% परम लाइट होती हैं। इसके बाद एक लेयर विष्णु का होता है, एक लेयर ब्रह्मा का होता है। इसके बाद 6 लेयर होते हैं, 3 लेयर अपने अंदर के लिए होता है, 3 लेयर बाहर के लिए होता है। और उसका जो वायुमंडल है उसके 3,000 लेयर हैं, G11 के 3,000 लेयर हैं। उसके अंदर 0.30 to 0.35 परम लाइट है, परम तत्व 31 से 35% परम तत्व है, और 69 से 65 तीन तत्व है। और सभी अच्छी तरह ये मेंटेन करते हैं, मगर परम तत्व की क्वालिटी तो वैसे बहुत पुअर है। उसका ओरिजिनल मालिक तो कितनी कला में, क्योंकि मल्टीवर्स में ये कितनी कला में पैदा हुआ वो तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टीवर्स में ऐसे ढेर के ढेर यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स G17 तक हैं, और वो अलग 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 जगह पे, अलग अलग जगह में जहाँ भी स्पेस मिली वो घुस मार के फिर अलग अलग हो गए हैं। इसलिए ओरिजिनल जो रचयिता है उसकी परम लाइट की क्वालिटी क्या है और कितनी क्वांटिटी बची है वो कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए बड़े रूप से ही सिर्फ बता सकता हूँ सर। और जो पहले जब चित्र बनाए तो चित्र भी अवेलेबल है जो आपको बता रहा हूँ। परम शांति।